मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, जैसे इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एक लड़का, ये बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, फिर बी से सी पर जाता है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? पहले ए से बी गया 4 मीटर, फिर बी से सी गया 3 मीटर। ठीक है, और फिर वो सी से ए पे वापस आ गया, मतलब 5 मीटर। तो 4 + 3 + 5 क्या हो गया? 12 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, सबसे छोटा डिस्टेंस कवर। ठीक है, अब जैसे इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल बेटा आप देखो कि जॉन ट्रैवल इतने माइल टू नॉर्थ, पुट द बैक ट्रैक फॉर साउथ, इतने माइल पिक अप अ फ्रेंड। व्हाट इज़ द जोन टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, जहाँ वो पहुँचा और गया दोनों को माइनस कर देंगे। इसके अंदर जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर उसने ए से सी पे जाना है, ये डायग्राम आप देखो, तो दो रास्ते हैं। या तो वो पहले ए से बी जा सकता है, फिर बी टू सी जा सकता है, और अगर वो शॉर्टकट ले तो ए टू सी भी सीधा जा सकता है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? बड़े वाला रास्ता, प्रॉपर जो रास्ता है, मतलब 4 + 3। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 5 हुआ, मतलब सीधा ए टू सी शॉर्टकट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस होता है पूरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहाँ वो फाइनल पहुँचा है उसमें से इनिशियल वाला माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो देखते वक्त, और ये सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना कि इसका डिस्टेंस आपको बताना है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपको। अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझ आ जाएंगे। और ये है दोनों में फ़र्क। जैसे डिस्टेंस है कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में पूरी कंप्लीट लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब छोटा मिनिमम पाथ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं पता होती है। डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अब आपको अगर जीरो कैसे हो सकती है, किसी बच्चे ने ए पॉइंट से ही शुरू किया और वह ए पर ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई भी नहीं हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये है दोनों का फ़र्क, ये आपको करना है।